पार्टी आगामी गोवा चुनाव के लिए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को गोवा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इस घोषणा के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गोवा में फिर एक बार भाजपा की ही सत्ता स्थापित होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने गोवा चुनाव के प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चुनकर लाएंगे। गोवा के हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा कार्य पिछले 5 वर्षों में किया है और उस कार्य के आधार पर ही हम वापस चुनकर आएंगे। ये बात ज़रूर है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मनोहर भाई पर्रिकर, इनकी कमी हमें खलेगी, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और जिस प्रकार का संगठन उन्होंने तैयार किया है उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही गोवा के साथ खड़ी हुई है और हम लोग चुनाव में जाते रहे। मैं पिछले 4 चुनाव में वहाँ रह चुका हूँ तो वहाँ की राजनीति की थोड़ी जानकारी मेरे पास भी है और मेरा विश्वास है हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे फिर वो हमारे गृहमंत्री अमित भाई शाह हो, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो या हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी हो, इन सभी की सहायता लेकर निश्चित रूप से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे।